Hello everyone, this is video number 27 of Geographical Thought and इस वीडियो में हम जानेंगे इबन बतूता के बारे में कि इबन बतूता का ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर उनकी बात की जाए तो उनका रियल नेम अब्दुल्ला मोहम्मद था एंड इनका जन्म कहां पर हुआ, जो अफ्रीका में एक कंट्री है वेस्टर्न साइड में, उस कंट्री का नाम है मोरक्को और मोरक्को में एक जगह है तंजियर, वहाँ पर इनका क्या जन्म हुआ था। ये एक ग्रेट ट्रैवलर माने जाते हैं, इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनसे ज़्यादा किसी ने ट्रैवल नहीं किया। 28 साल तक इन्होंने क्या है ट्रैवल किया है। मार्को पोलो और इनमें क्या है एक तरह से डिबेट रहती है कि किसी कोई ज्योग्राफर या कोई बुक बोलती है कि मार्को पोलो ज़्यादा ट्रैवल किए थे और किसी बुक में इबन बतूता के बारे में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल किसने किया, इबन बतूता ने। 28 साल तक इन्होंने ट्रैवल किया था और टोटल 75,000 माइल्स के आसपास इन्होंने कवर्ड किया था। इनका पहला अगर ट्रैवल की बात की जाए तो स्टार्ट किया था इन्होंने 1325 में, जब उनकी एज कितनी थी 21, और कहाँ के लिए, मक्का के लिए, जो कि इस्लाम धर्म में क्या है फेमस जगह है, पिलग्रिमेज है एक तरह से, लाइफ में एक बार मक्का में यहाँ जाया जाता है। तो ये 21 साल की उम्र में ही हज के लिए मक्का को निकल पड़े थे। तो ये मैप है, आप इस मैप को देख सकते हो कि इन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, तंजियर में इनका जन्म हुआ और अफ्रीका की जितनी भी नदन अफ्रीका की पार्ट हैं वहाँ पर इन्होंने क्या है ट्रैवल किया था। इसके साथ साथ ये मोगादिशु और यहाँ पर जंजीबार एंड किलवा तक ये चले गए थे। किलवा ये एक जगह है। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं ये इनका ट्रैवल, जहाँ पर इन्होंने ट्रैवल किया था ये उसका मैप है, और उसके साथ साथ ये चाइना में भी ट्रैवल किए थे। तो ये हम वन बाय वन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जब इनकी हज यात्रा कंप्लीट हुई, हज यात्रा के बाद फिर इन्होंने स्टार्ट किया अपना ट्रैवल। ये अनेक कंट्रीज़ घूमे, जैसे सहारा, वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज़, नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट, इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, देन मिडिल ईस्ट, अरेबिया एंड इसके साथ साथ इंडिया, मालदीव आइलैंड, साइलोन जो कि श्रीलंका है, सिंगापुर एंड साउथ चाइना सी। इसके साथ साथ ये हम बता चुके थे कि किसी किसी बुक में या किसी किसी जगह ऐसा बोला जाता है कि ये मार्को पोलो से भी ज़्यादा ट्रैवल किए थे। इसके साथ साथ इंडिया में उन्होंने पंजाब और हरियाणा, अलीगढ़, कन्नौज, दौलताबाद, गुजरात, ग्वालियर, उज्जैन, कोझिकोड़े एंड चिटागोंग, सिलहट, ये जो कि अब बांग्लादेश में उस टाइम पर क्या है इंडिया में हुआ करती थी, तो इन जगह पर भी ये ट्रैवल किए थे। इसके साथ साथ अफ्रीका में ये किलवा तक गए, किलवा जो कि 10 डिग्री साउथ पर है इक्वेटर के, जैसा कि हमने मैप में दिखाया था ये एक जगह है किलवा, यहाँ तक इन्होंने क्या है ट्रैवल किया था। इसके साथ साथ किलवा के साथ ये सफोला पोर्ट तक भी गए, जो कि एक यहाँ पर अरब ट्रेडिंग पोस्ट है, कहाँ पर, सफोला, जो कि कौन सी कंट्री में, मोजाम्बिक कंट्री में है। मोजाम्बिक भी कहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है इस वाले पार्ट में, ये मेडागास्कर है। तो यहाँ मोजाम्बिक तक इन्होंने अपना ट्रैवल किया था। देन इसके साथ साथ ये मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहे थे, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में सर्व किया था। देन इसके बाद इनको बुलावा आ गया था, कहाँ पर, युआन डायनेस्टी ऑफ चाइना, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया था, कहाँ के लिए, चाइना के लिए। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी क्या, रिहिला, ठीक है। इस यहाँ पर जब ये दिल्ली से क्या है चाइना के लिए जा रहे थे तो बाकी जगह पर भी इन्होंने ट्रैवल किया, जैसा कि ये चिटागोंग, बंगाल, कैमरूप, जो कि कैमरूप क्या है आसाम है, तो इन जगह को ये पार करते हुए डेक्का, सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड है, यहाँ से निकलते हुए ये मलक्का, देन वियतनाम, तो ये इस तरह से गए और एक जगह पर ये कहाँ पर फिर फाइनली ये चाइना में पहुँच गए। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब ये चाइना जा रहे थे तो इनको क्या है डाकुओं ने पकड़ लिया था और इनका जो काफिला था वो बिछड़ गया था, उनको लूट भी लिया था, यहाँ तक कि वो अपनी जान बचाकर निकले थे। तो फाइनली ये कहाँ पर, चाइना में पहुँच गए, चाइना में इनका भव्य स्वागत हुआ।
और जो वहाँ के काजी हैं उन्होंने क्या है इनका स्वागत किया था अच्छे से, क्योंकि ये भी एक काजी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसलिए इनका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ चाइना में। और चाइना में घूमने के बाद ये फिर देन रिटर्न हुए इंडिया की तरफ, और इंडिया से फिर ये चले गए अपने होम टाउन, और यहाँ पर इनकी डेथ हो गई 1369 में। तो इनकी बुक जो इम्पोर्टेंट है, उस बुक का नाम क्या है, रिहेला। तो इस बुक का नाम याद रखना है, इसका मींस क्या होता है, जर्नी, जिसमें इन्होंने सोइल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री पर फोकस किया था। तो इनके बारे में, इबन बतूता के बारे में क्या याद रखना है, कहाँ जन्म हुआ, मोरक्को में। देन इन्होंने ट्रैवल किया, और इसके बाद कहाँ कहाँ तक गए, अफ्रीका में किलवा तक। देन इसके बाद इनकी बुक का नाम याद रखना है कि इनकी बुक का नाम क्या है, रिहेला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो में हमने इबन बतूता के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अरब ज्योग्राफर्स बचे हैं, जैसे कि इबन खालदून बचे हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।